बांग्लादेश में खूनी बवाल के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया है। आरक्षण की आड़ में शेख हसीना की कुर्सी चली गई है। उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। अभी वह भारत की शरण में है, मगर भारत में भी उनकी मुसीबत उनका साथ नहीं छोड़ रही। बांग्लादेश में उनके खिलाफ लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। अब उनके प्रत्यर्पण की मांग जोर से आग पकड़ने लगी है। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की कई अंतरिम सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर विचार कर रही है। इस बीच खालिदा जिया के सिपहसालार ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। उनका कहना है कि भारत ने शेख हसीना को शरण देकर ठीक नहीं किया। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश पार्ट टू की कोई तैयारी तो नहीं की जा रही। दरअसल बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, ताकि उन पर बांग्लादेश में मुकदमा चलाया जा सके। वहीं शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। मंगलवार तक उनके खिलाफ दर्ज केसों की संख्या करीब 25 पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को छात्र का विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। उस बवाल के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और 6 अगस्त को वह बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग आई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा, हमारी भारत से अपील है कि वह शेख हसीना को कानूनी तरीके से बांग्लादेश सरकार को सौंप दे। बांग्लादेश की जनता ने उनके मुकदमे पर फैसला सुना दिया है, उन्हें उस मुकदमे का सामना करने दे। आलमगीर का कहना कि शेख हसीना को शरण देकर भारत ठीक नहीं किया है, यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना भारत में रहकर बांग्लादेश में हुई क्रांति को विफल करने के लिए साजिश रच रही है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए आलमगीर ने एक तरह से भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जहर ही बुला है। शेख हसीना को लेकर उन्होंने कहा, मैं बात दृढ़ता से कह रहा हूं और यह हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि भारत को बांग्लादेश के लोगों से दुश्मन यानी शेख हसीना को पनाह देकर ज्यादा प्यार मिल सकता है, जिसे देश से भागना पड़ा था। हालांकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने हसीना पर दर्ज मामलों को लेकर बांग्लादेश की आंतरिक सरकार की आलोचना की है। अवामी लीग ने शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों को झूठा और राजनीतिक से प्रेरित बताया है। मगर अब सवाल है कि शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश प्रत्यर्पित किया जा सकता है, क्या बांग्लादेश की बात मानने को भारत बाध्य है। इस बाबत सूत्रों का कहना है कि भारत बांग्लादेश की मांग को ठुकरा भी सकता है, यह द्विपक्षीय संधि उन मामलों पर लागू नहीं होती जो राजनीतिक प्रकृति के होते हैं। हालांकि यह सब कुछ अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह छूट मर्डर जैसे गंभीर अपराधों के अपराधियों के लिए नहीं है। मगर बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता है तो भारत के पास ठुकराने का सॉलिड जवाब है। भारत संधि के अनुच्छेद 8 का हवाला देकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की किसी भी मांग को ठुकरा सकता है। यह अनुच्छेद दोनों देशों को उन अनुरोधों को ठुकराने की अनुमति देता है जो ईमानदारी और न्याय के हित में नहीं है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।